हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बात करेंगे यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट है वो यहाँ पे रफाल की तरफ से ही आ रही है। और रफाल की तरफ से जो अपडेट है ये यहाँ पे कल ही इंडियन मीडिया हैंडल्स पे आ चुकी थी, लेकिन इसका जो सोर्स है वो यहाँ पे कंफर्म नहीं हो पा रहा था। साथ ही साथ जब सोर्स कंफर्म हो चुका है तो यहाँ पे जो डिटेल्स है वो और भी ज़्यादा कंफर्म हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों को ये बात पता होना चाहिए कि जो रफाल F4 स्टैंडर्ड है उसमें इंडियन एयरफोर्स काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और यहाँ पे जो शैटर्ड परचेज है वो यहाँ पे हो सकता है, यानी कि 36+36 का जो नंबर है वो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे जो टेस्ट है वो 26 से 29 अप्रैल के बीच में किया गया। यहाँ पे फ्रेंच DGA यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्ममेंट, साथ ही साथ वहाँ की फ्रेंच नेवी, फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्स और उसके साथ साथ दासों एविएशन, ये सब मिलकर ये जो टेस्ट है वो यहाँ पे हुए। साथ ही साथ इस एयरक्राफ्ट में 8 कॉम्प्लेक्स चेंजेस किए गए हैं, 8 मिशंस भी परफॉर्म किए गए हैं। साथ ही साथ इस पूरे मिशंस में 50 सॉर्टीज जो है वो यहाँ पे लगाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे जो दो एयरक्राफ्ट यानी कि दो रफाल जो हैं वो यहाँ पे मॉडिफाई किए गए थे रफाल F41 स्टैंडर्ड में, यानी कि यहाँ पे F41 स्टैंडर्ड लिया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो ऑप्टोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स हैं सिर्फ वही चेंज किए गए हैं। साथ ही साथ जो हेलमेट है यानी कि यहाँ पे जो हेलमेट है वो यहाँ पे स्कॉर्पियन हेलमेट लगाया गया है, यानी कि ये ऐसा हेलमेट है आप कह सकते हो कि जो पुराने डैश हेलमेट्स हैं उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर हेलमेट है। आने वाले समय में इसके बारे में भी डिटेल वीडियो बनाएंगे कि ये जो हेलमेट है वो किस तरीके से काम करता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो F42 आएगा वहाँ पे जो रेडार्स हैं उनमें चेंजेस किए जाएंगे, रेको इंजन रिकॉग्निशंस पॉड लगाए जाएंगे, टैरियोस के लॉन्ग रेंज एयरबोर्न टारगेटिंग पॉड लगाए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो नया रेडार है यानी कि RBE2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैनर रेडार, पॉसिबल है कि यहाँ पे ज़्यादा TR मॉड्यूल्स हो सकते हैं या फिर ये ज़्यादा इनहेंस कैपेबिलिटी के साथ आने वाला है। साथ ही साथ जब यहाँ पे फ्यूचर में F4 का जो थर्ड स्टैंडर्ड है वो यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, यानी कि इसमें जो मिसाइल्स हैं, जो मीटियोर नेक्स्ट जनरेशन है, माइको नेक्स्ट जनरेशन है और एयर टू ग्राउंड के जो प्रिसाइज वेपन्स हैं वो भी यहाँ पे लगाए जाएंगे, जिससे कि जो कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पे जो ऑप्टोनिक सेंसर्स हैं इसके वो लॉन्ग रेंज से यहाँ पे जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं उनको भी यहाँ पे डिटेक्ट करने में सक्षम होने वाले हैं। साथ ही साथ जो यहाँ पे स्टेटस से आज के समय में यानी कि इंडियन एयरफोर्स को लेकर देखोगे तो पॉसिबल है कि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स भी यहाँ पे बैक कर रही है इस प्रोजेक्ट को, यानी कि इसके लिए सपोर्ट कर रही है। और फ्रांस को यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा जल्दी टेस्ट किया जाए, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसकी जो टेस्टिंग डेट थी वो यहाँ पे 2022 में ही थी, लेकिन इसको 2021 में ही कर दिया गया है। और पॉसिबल है कि आने वाले सालों में यानी कि जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस विजिट करेंगे या फिर फ्रेंच मिनिस्टर इंडिया आएंगे तो पॉसिबल है ये जो डील है हो सकती है, क्योंकि अभी जो इंडियन एयरफोर्स के चीफ को इस चीज़ के बारे में एलोबरेट किया गया है, यानी कि जब इंडियन एयरफोर्स के चीफ फ्रांस के विजिट में थे तो उन्हें F4 वेरियंट के बारे में चीज़ें एलोबरेट कर दी गई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ महीनों का समय नहीं लगने वाला है, अभी इसको FOC मिलने में कम से कम 1 साल का समय है, और जब 1 साल का समय पूरा हो जाएगा, FOC मिल जाएगी, तो ये जो फ्रेंच एयरफोर्स में पहले शामिल होना स्टार्ट होगा। उसके बाद जैसे ही इंडिया भी अपनी जो डील करेगा उसी हिसाब से इंडिया को भी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल है कि 2024 या 25 के बाद ही होने वाली है। अब आगे बढ़ने से पहले हमने यहाँ पे जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वो बहुत पहले ही लॉन्च कर दिया है, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो यहाँ पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे जो डिस्कशंस हैं साथ ही साथ DCS की लाइव वीडियोस हैं वो यहाँ पे पब्लिश की जाती हैं। अब बात कर लेते हैं जो एक और अपडेट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IIT दिल्ली की तरफ से आ रहा है। तो IIT दिल्ली जो है वो एक नए सेंटर को बनाने जा रही है जहाँ पे R&D एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। ये जो R&D एक्टिविटीज़ होंगी ये ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक्स फील्ड में की जाएंगी। यहाँ पे जो फोटोनिक सर्किट्स हो गए, नैनो फोटोनिक्स हो गए, प्लाज्मोसिस हो गए, अल्ट्रा फास्ट ऑप्टिक्स हो गए, साथ ही साथ ऑप्टिकल मेट्रोलॉजी हो गए, साथ ही साथ सोर्स ऑफ डिटेक्टर्स ऑफ लाइट, लेजर्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, तो इन सभी चीज़ों का जो यूज़ है ये यहाँ पे डिफेंस में भी हो सकता है। यहाँ पे इन सभी चीज़ों का यूज़ करते हुए हम यहाँ पे जो लेज़र डिफेंस सिस्टम्स हैं या फिर लेज़र पॉड्स भी हैं वो भी यहाँ पे बनाने में सक्षम होने वाले हैं। साथ ही साथ इन फ्यूचर में जब इस तरीके के सिस्टम्स यहाँ पे एयरक्राफ्ट में लग जाएंगे तो पॉसिबल है कि जब भी किसी दूसरे एयरक्राफ्ट से अगर लेज़र यूज़ किया जाता है, यानी कि अगर कोई 5th या 6th जनरेशन फाइटर जेट से लेज़र पॉड्स का यूज़ किया जाता है तो उसको भी हम डिटेक्ट करने में सक्षम होंगे। और साथ ही साथ इस तरीके के जो सिस्टम्स होंगे वो डिफेंस और साथ ही साथ सिविलियन यूज़ इन दोनों में ही आने वाले हैं, यहाँ तक इनका जो यूज़ है वो मेडिकल फील्ड में भी होने वाला है। तो आप कह सकते हो काफ़ी बड़ा स्टेप है IIT दिल्ली की तरफ से, और ये वो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो DRDO हो गए, CSIR हो गए, DAE हो गए, ICMR हो गए, इन सभी इंडस्ट्रीज़ के साथ अगर कोलैबोरेशन हो तो ये सारी चीज़ें और भी जल्दी हो सकती हैं। अब देखना ये है कि फ्यूचर में कौन सा स्टेप लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं जो लास्ट अपडेट है वो यहाँ पे LIC की तरफ से आ रहा है। तो एक अपडेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुई थी जो कि फेक है, जिसको इंडियन आर्मी ने भी खुद से क्लियर आउट किया हुआ है। यहाँ पे जो एक अपडेट है वो यहाँ पे फेक निकली हुई थी, यानी कि इंडियन सोशल मीडिया हैंडल्स पे, साथ ही साथ इंडियन न्यूज़ वेबसाइट से भी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हुई थी कि इंडियन ट्रूप्स और चाइनीज़ ट्रूप्स के बीच में एक छोटा जो झड़प है वो यहाँ पे हुई है। लेकिन ये चीज़ें आर्मी की तरफ से क्लियर की गई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो कुछ पिक्चर्स हैं वो यहाँ पे निकल के आए हैं, ये जो पिक्चर है आप देख पा रहे हो कि हार्ड शेल्टर्स बनाए गए हैं, यानी कि इंडियन आर्मी की तरफ से जो पूरी तैयारी है वो यहाँ पे हो चुकी है। यहाँ पे जो वॉशरूम्स हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं, यानी कि किस तरीके से हमें फूड रखना है, सारी चीज़ें पूरी तरीके से तैयार हैं। कभी भी कोई सिचुएशन होती है तो यहाँ पे सारी चीज़ें आर्मी के लिए अवेलेबल हैं। तो आज के वीडियो को इतना ही, अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दें, साथ ही साथ रफाल F4 के बारे में आपका क्या सोचना है वो भी बताएं। आज के वीडियो को इतना ही, जय हिंद।